हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस आज के इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन uh, करने वाले हैं बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अ रिपोर्ट दैट इज बाय योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वो है आपका ग्लोबल इम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ ट्वेंटी तो दो की जो ये रिपोर्ट आई थी ग्लोबल इम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की उसमें जो की पॉइंट्स थे वो बेसिकली हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं जो ग्लोब यानी कि ग्लोबल ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए गए थे इम्पोर्टेंट वो भी देखेंगे और इंडिया जो स्पेसिफिक ट्रेंड्स होंगे उनको भी हम कंसीडर करेंगे ओके सो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ को शुरू करेंगे और उससे पहले जो भी यूट्यूब के पीडीएफ फाइल्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथ ही साथ एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स बहुत प्रीशियस है और ये अगले दस दिन तक आप अगर कोई परचेज करता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली अब ही टाइम है आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का और फिर सोल्यूशन से जो चीजें छूट गई हैं उनको लर्न करने का इसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के एमसी मिलते हैं और कुछ एमसीक्यूज इसमें आपको इंश्योरेंस और ऑडिटिंग के भी मिलेंगे ठीक है इंश्योरेंस के अराउंड हंड्रेड क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर चुका हूँ ओके सो हंड्रेड क्वेश्चंस मैं अराउंड फ्रेम कर चुका हूँ हंड्रेड क्वेश्चन बस आप के एक दो दिन के अंदर अपलोड इसके अंदर हो जाएंगे कल तक मैक्सिमम अपलोड हो जाएंगे ठीक है सो वो वो भी आपको इसके अंदर एक एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे और यूपीएससी ईपीएफओ अगर आप कोड यूज करोगे तो फिफ्टी परसेंट मिलेगा साथ ही साथ पीडीएफ फाइल्स का एक्सेस भी इसमें आपका आ जाता है अगर आप एमसीक्यू क्यू कॉम्पो कोर्स लेते हो तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है सो ग्लोबल इंप्लायमेंट ट्रेंड्स फॉर यू ट्वेंटी थीम था इन्वेस्टिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स फॉर यंग पीपल जेंडर in so, डिस्पेरिटी तो तो, के ऊपर हाईलाइट किया एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो के आ, अंदर सो so, बेसिकली अगर आप देखो कि जो वुमेन का परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो कम है ओके okay? तो आप अगर टोटल इंप्लॉयमेंट देखते हो टोटल पॉपुलेशन देखते हो और उसमें देखते हो फिर कितने लोग इंप्लॉयड हैं तो आपको पता चलेगा कि डेढ़ गुना जो टोटल इंप्लॉयमेंट है उसमें 1.5 टाइम्स मेन है एज कंपेयर टू वुमेन यानी कि अगर इंप्लॉयमेंट uh, के अंदर 100 यंग वुमेन है तो मेन का जो पर, uh, नंबर होगा वो डेढ़ होगा डेढ़ गुना ज्यादा है ओके okay? 2022 में

अनएम्प्लॉयमेंट हुई है एज कम्पेयर टू दिस एज ब्रैकेट एज पर दिस रिपोर्ट ओके एंड टोटल ग्लोबल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ जो इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड है इट वॉज से हाईलाइट किया गया है एज अनएम्प्लॉयड यूथ स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है दो हजार इक्कीस के मुकाबले बट अगर मैं प्री पेंडेमिक लेवल के ऊपर जाऊँ यानी कि मैं दो हजार उन्नीस वाले टाइम पर जाऊँ तो दो हजार उन्नीस के टाइम से अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जो या अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो ज्यादा है 2021 के मुकाबले 22 के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है बट 2019 से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो अभी भी हालात जो है वो खराब है इस पॉइंट को समझना नेक्स्ट आ जाते हैं रीजनल डिफरेंसेस अब देखो जी uh, ये बोलता है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ठीक है जो बेरोजगारी है जवान लोगों के अंदर वो भी वो लो इनकम कंट्रीज मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है लो इनकम और मिडिल इनकम के अंदर अभी भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से रिकवरी प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है लेकिन हाई इनकम कंट्रीज के अंदर आपको रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी हाई इनकम कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं वो 2019 के लेवल तक कहीं ना कहीं पहुंचना शुरू हो गए हैं लेकिन अभी भी जो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज है वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2019 के लेवल के मुकाबले काफी हाई है ओके और इट इज मोर देन वन परसेंट क्राइसिस लेवल से एक परसेंट अभी भी ज्यादा चल रहा है जो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज है उसके बाद ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमीज देखो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि जो यंग पीपल है ना उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट से या ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी के एक्सपेंशन से ग्रीन या ब्लू इकॉनॉमी बेसिकली क्या बात करती है ग्रीन या ब्लू इकॉनॉमी बात करती है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट ग्रीन इकॉनॉमी एंड सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज और सस्टेनेबल ओशन ब्लू इकॉनॉमी तो जब आप सस्टेनेबिलिटी के एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है तो उससे रिपोर्ट बोलती है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वो यंग लोगों को होगा उनकी इम्प्लॉयमेंट को होगा तो रिपोर्ट बोलती है कि एडिशनली एट पॉइंट फोर मिलियन जॉब्स जो है वो 2030 तक ग्रीन और ब्लू इकॉनमी में क्रिएट होंगी यंग लोगों के लिए यंग पीपल के लिए स्पेशली क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्लांट लग रहे हैं तो ये सब जो है यंग लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर के आएंगे ब्रॉडबैंड कवरेज एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो so, रिपोर्ट कहती है कि अगर यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कवरेज अचीव कर ली जाती है दो तक ठीक है यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कवरेज का क्या मतलब हो गया है? कि हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो रिपोर्ट बोलती है कि इससे अराउंड 24 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी पूरी दुनिया के अंदर और इन 24 मिलियन में से 6.4 मिलियन तो यंग पीपल होंगे तो डेफिनेटली ब्रॉडबैंड कवरेज जो है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करेंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर ओके okay, उसके बाद केयर सेक्टर आगे जो बेसिकली देखो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है ठीक है ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वहां पर जो केयर सेक्टर है ठीक है जो ओल्ड पीपल केयर सेक्टर या उस केस में बच्चों के भी जो केयर सेक्टर होते हैं क्रेच फैसिलिटीज वगैरह तो उस केस में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वहां पर भी अराउंड सेवनटीन मिलियन जॉब जो है वो यंग लोगों के लिए दो तक क्रिएट होंगी ओके okay? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फाइंडिंग्स जो इंडिया स्पेसिफिक है इंडिया से रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स है तो रिपोर्ट बोलती है कि देखो यूथ इंप्लॉयमेंट के अंदर डिक्लाइन आया ओके okay? तो यूथ इंप्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन्ड बाय 0.9 परसेंट ओवर द फर्स्ट नाइन मंथ्स ऑफ 2021 रिलेटिव टू इट्स वैल्यू इन 2020 वाइल इट इंक्रीज बाय टू फॉर एडल्ट ओवर द सेम पीरियड ओके So, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन uh, हमें देखने को मिलती है एंड 15 से 20 साल के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादातर कंडीशन यहाँ पर है उसके बाद जो फीमेल इंप्लॉयमेंट है उसके अंदर भी परसेंटेजेस जो है वो लो देखने को uh, मिलते हैं ओके okay? सो so, जो कोविड का जो पीरियड था 2020 2021 2022 उसके बीच में जो इम्प्लॉयमेंट लॉसेज हुए उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लॉसेज जो हैं वो वुमेन के अंदर देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू मैन तो ज़्यादा औरतों ने अपनी बेसिकली नौकरियां जो हैं वो लूज़ की हैं ओके एंड जो हाई यूथ एम्प्लॉयमेंट लॉसेज हुए हैं कोविड के टाइम पर इंडिया के अंदर उसी की वजह से ग्लोबल जो एवरेज है वो भी बढ़ा तो आई ने बोला कि जो पूरी दुनिया की जो एवरेज खराब हुई है उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है ओके okay? इंडियन मैन सिक्सटीन परसेंट है ग्लोबल लेबर मार्केट में जो यंग मैन है ना उसका सोलह परसेंट इंडिया ने है अभी लगा लो अगर पूरी दुनिया में मैं बोलू कि सौ यंग पर्सन है लेबर मार्केट के अंदर तो इन सौ में से सोलह इंडिया के अंदर है ठीक है जो काम कर रहे हैं अभी बट ओनली फाइव आर वुमेन तो इससे आपको हाईलाइट होता है कि सोलह आदमी सिर्फ पांच महिलाएं क्योंकि डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन के गैप को यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि भैया देखो स्कूल बंद रहे अट्ठारह महीने ठीक है थीके? और चौबीस करोड़ हमारे देश में स्कूल गोइंग इन बच्चे हैं तो रिपोर्ट बोलती है कि सिर्फ आठ परसेंट ऐसे बच्चे थे रूरल एरियाज में और तेईस परसेंट अर्बन एरियाज में जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल थी जो बाकी के बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है ठीक है जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फैमिलीज से थे ठीक है उनके पास तो कोई एक्सेस ही नहीं था एजुकेशन का ना उनके पास टैबलेट थे बेचारों के पास ना उनके पास ब्रॉडबैंड थे ना इंटरनेट थे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो डेफिनेटली लॉस तो हुआ है सिर्फ आठ परसेंट रूरल एरियाज में और तेईस परसेंट अर्बन एरियाज में बच्चे ऐसे थे जिनके पास एक्सेस था ऑनलाइन एजुकेशन का सो दिस वॉज ऑल्सो हाईलाइटेड इन टू द रिपोर्ट ओके उसके बाद देखो स्कूल बंद हुए रिपोर्ट क्या बोलिए स्कूल बंद हुए तो कोई नई लर्निंग हो नहीं पा रही थी ऑनलाइन फॉर्म में ठीक है पहली बात तो हमने परसेंटेज देख लिया कि बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन एजुकेशन को अटेंड ही नहीं कर पाए तो उनके लिए तो वो दो साल अट्ठारह महीने का पूरा एक तरह का गैप आ गया वो तो छुट्टी पे चल रहे थे और जो ऑनलाइन पढ़ भी रहे थे जो स्कूल के अंदर पढ़ाई होती है ना वो ऑनलाइन नहीं होती ठीक है वो ऑनलाइन वे में आप एक लेवल पे अब जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसमें एक अलग सिनेरियो बन जाता है उसमें फिर भी आप ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो लेकिन जब आप एक बिल्कुल यंग बच्चे की बात कर रहे हो ना वो स्कूल में जाके बड़ा कुछ सीखता है वो चीजें तो आप सीख चुके हो एज अडल्ट बट बच्चे को वो चीजें सीखनी होती है कि कैसे टीम में काम करना है कैसे क्लास में बाकी लोगों के साथ बैठना मल्टीपल चीजें होती हैं ठीक है, है? साथ ही साथ टीचर का एक वो भी होता है और बच्चे की तो टेंशन जैसे अपने को तो लालच है ना कि अपन पेपर क्लियर करेंगे नौकरी लगेंगे तो अपने को कोई डंडा लेकर के नहीं बिठाता पढ़ने

अच्छी है लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके अंदर तो बहुत बुरा हाल है सैलरी का ठीक है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल के अगर आप टीचर के सेम क्लास में अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और सैलरी का डिफरेंस देखोगे ना आप मानोगे नहीं आपको तीन से चार गुना भी डिफरेंस दिख जाएगा सैलरी के अंदर ओके सो टीचर्स की जो सैलरी है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो इंडिया कीनिया नाइजीरिया पाकिस्तान जैसे स्कूल्स के अंदर काफी लो है अगर आप देखो वन एट्थ तक बोल रहा है वन एर्थ एंड वन हाफ समझ रहे हो वन एर्थ कितना हो गया कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया अगर आप स्टेट जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके मुकाबले देखते हो तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं और टीचर्स को आप अच्छा पे करोगे तो तभी आप अच्छे टीचर्स रख पाओगे नहीं तो अच्छे टीचर्स आएंगे ही नहीं है ना उसके बाद रिपोर्ट बोलती है कि जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वर्क है जैसे हाउस हेल्प वो काफ़ी ज्यादा इनफॉर्मल है कंप्लीटली जो वेजेस पे किए जाते हैं वो एक्सट्रीमली लो है और डोमेस्टिक वर्क के अंदर ज्यादातर यंग वुमेन और गर्ल्स ही इन्वॉल्व है और दे आर वनरेबल टू अब्यूज ओके काफ़ी सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो मिलते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के अब्यूज़ के चाहे वो वर्बल अब्यूज़ हो गाली देना फिजिकल अब्यूज मारना सेक्सुअल एक्सप्लॉटेशन हर तरह के अब्यूज़ जो हैं वो होते हैं और ये तो आप लोग अपने घर के अंदर भी विटनेस करते ही हो होंगे कि जो सैलरीज हैं मैं ये नहीं कर रहा आपके घर में अब्यूज़ होता होगा बट जो सैलरीज हैं डोमेस्टिक हेल्प के वो तो एक्सट्रीमली लो हैं मुझे तो ऐसा फील होता है खुद मुझे ऐसा फील होता है कि जो सैलरी स्टैंडर्ड्स हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के वो काफी ज्यादा लो हैं द द अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ वर्क वर्क दे डू दैट इज़ एक्सट्रीमली लो आपको पर देखने को मिलेंगी और ये रिपोर्ट के अंदर भी हाईलाइट किया गया है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिपोर्ट और इसकी डिस्कशन जितनी हमने की उतने पॉइंट्स ही आपको करने हैं पूरी रिपोर्ट खोल करके मत बैठ जाना कोई फायदा होगा नहीं ये जितना हमने कर लिया ना उतना सफिशियंट है और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा ओके सो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो जैसे मर्जी कॉन्टैक्ट करो एंड चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब अपने करना ओके सी यू इन वि